जीवनी जीवन इतिहास नारायणन सानका नवंबर 1945 अप्रैल 17 2022 अन्य विवरण उपलब्धियां नारायणन शंकर 19 नवंबर 1945 माइनस 17 अप्रैल 2022 एक भारतीय उद्योगपति और एक विविध भारतीय समूह सन्मार समूह के अध्यक्ष थे। 5 दशकों से अधिक के करियर के दौरान उन्होंने समूह के विविधीकरण का नेतृत्व रसायनों से लेकर शिपिंग तक के कई व्यवसायों में किया। शंकर भारतीय उद्योग संगठन एसोचेम के अध्यक्ष और मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी रह चुके थे। शंकर का जन्म 19 नवंबर 1945 को मधुरम और के.एस. नारायणन के घर हुआ था और वे दो भाई बहनों में बड़े थे। वह भारतीय उद्योगपति एस.एन.एन. शंकरलिंगलियर के पोते थे जो इंडिया सीमेंट्स के संस्थापक थे और इंडो कमर्शियल बैंक शंकर ने मद्रास अब चेन्नई में एसी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में रसायन विज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। शिकागो में इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग। शंकर एक युवा खिलाड़ी के रूप में क्रिकेट और टेनिस से जुड़े थे। उन्हें टेनिस कोर्ट पर टीके रामनाथन जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन के पिता और टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन के दादा थे। उनका टेनिस करियर तब छोटा हो गया था जब उन्हें 17 साल की उम्र में पोलियो का पता चला था। उन्होंने मद्रास लीग क्रिकेट टीम जय हिंद सीसी के लिए एक बल्लेबाज और एक मध्यम गति के गेंदबाज के रूप में खेलना जारी रखा और एक स्लिप फील्डर के रूप में जाने जाते थे। शंकर ने अपने करियर की शुरुआत सन्मार समूह की प्रमुख कंपनी केमप्लास्ट से 1961 में की थी। समूह का नाम ही उनके नाम और उनके भाई एन कुमार के नामों का एक संयोजन था। शंकर ने कार्बाइड का निर्माण करने वाली कंपनी इंडस्ट्रियल केमिकल्स और मोनोमस के समूह के अधिग्रहण का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने रसायनों के लिए एकीकृत विनिर्माण प्रक्रियाओं को विकसित करने में समूह के प्रयासों का नेतृत्व किया।